हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ममता की लाइफ में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये डोरमेट जो मैंने अभी पिछले वीडियोस में आपको बताया है, अब इसी को चलिए कुछ नया रूप देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने 35 फंदे डाले थे। 35 फंदे डाल के मैंने दोनों तरफ से एक एक फंदा छोड़ते हुए इतना पहले ये बना लिया है, फिर ये बनाया है। यही चीज़ मैं दोबारा से आपको फिर बताने जा रही हूँ, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा अंतर करेंगे। यहाँ का ये चीज़ जो है, इसको हम थोड़ा सा अंतर करके बनाएंगे। तो ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये 35 फंदे का था। अब मैं इस कलर से बनाने जा रही हूँ और इसमें मैंने 36 फंदे डाले हुए हैं। 36 फंदे देखिए बिल्कुल ढीले ढीले डालने हैं, ताकि आराम से ये, क्योंकि जब हम दोबारा इसको नीचे से खोलें तो ये आराम से खुल जाए। क्योंकि मैंने इसको, जैसे कि आपको जोड़ना बताया था इस वीडियोस में, कि इसको मैं जोड़ती हूँ सिलाई से, तो आप इतना इसको अगर टाइट डालेंगे तो ये बाद में खोलने में दिक्कत आएगी। तो अब देखिए, ये मैंने फंदे डाल लिए हैं और पहली सिलाई जो है मैं टोटल उल्टा उल्टा बिन लूँगी। पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है, और दूसरी सिलाई से जिस तरीके से मैंने इसमें दोनों तरफ से एक एक फंदे छोड़े हैं, वैसे ही छोड़ते छोड़ते जब मेरे दो फंदे रह जाएंगे, फिर हम इस डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। तो ये देखिए, पहली सिलाई में ऐसे ही बिन ले रही हूँ, इसमें कुछ नहीं करना है। तो पहले इसको बिन लेते हैं और फिर दूसरी सिलाई से हम इसका ये पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। तो और दूसरी सिलाई में ही हम पहली सिलाई पूरा बिन लेंगे, दूसरा जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम लास्ट से फंदा छोड़ना शुरू करेंगे। तो इसको अब बिन लेते हैं इतना। ये देखिए, पहली सिलाई मैंने बिन ली, अब दूसरी सिलाई, पहला फंदा उतार लिया है मैंने इधर से, दोनों तरफ से पहला फंदा मैं उतार रही हूँ, दोबारा से उतारना ही है। तो अब देखिए, इसी तरीके से जैसे हमने ये इस वाले डोरमेट को बनाया था, उसी तरीके से हम इसमें भी फंदे छोड़ते जाएंगे। उसमें मैंने तीन फंदे रहने पर बताया था, इसमें हम लोग दो फंदा जब रह जाएगा तब फिर अगला पैटर्न बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मैं 36 फंदे पे बना रही हूँ। आप अगर बड़ा बनाना चाहें तो आप इतना फंदा ज़रूर रखिएगा कि जब हम इसको डिवाइड करें तो जो हमारा हाफ हाफ फंदा होगा वो भी हमारा बराबर बराबर रहे। जैसे मैंने इसमें 36 डाला है, तो जब हम इसको हाफ़ करेंगे तो मेरे 18 फंदे यानी 18 फंदे बचेंगे, और अगर आप 34 डालेंगे तो 17 बचेंगे। तो 17 नहीं, 15 17 नहीं बचना चाहिए, दोनों तरफ बराबर फंदे ही बचने चाहिए। तो अब ये देखिए, ये एक फंदा मैंने छोड़ दिया, और अब इसको पलट के जिस तरीके से मैंने पिछला ये बनाया था उसी तरीके से अब इसको हम उतार लेंगे और फिर बीनेंगे। दोनों तरफ से ऐसे ही हम उतारते जाएंगे दो फंदे रहने तक। ये देखिए, ये देखिए, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि हम किस तरीके से याद रखें कि हमको कितना फंदा हमने उतारा और हम कैसे आगे उतारें। तो ये देखिए, पहले दूसरे सिलाई में तो नहीं, इसके बाद से जब आप ध्यान देंगी तो जब आप उतारती हैं, पलटती हैं, पलट के जब पहला फंदा आप उतारती हैं, तो यहाँ पे ये दो फंदे जो आपको बंधे बंधे से दिखेंगे। अगर आप बीन रही हैं, या तो आप एकदम याद रखिए कि मैंने कितना फंदा उतारा, या तो जब आप लास्ट में ये देखेंगे तो ये हमारे जो फंदे हैं ये बंधे बंधे से दिखते हैं। तो आप यहाँ तक उसके एक फंदा पहले तक इसको बीनिए और पलट लीजिए, या आप ये चीज़ देखिए कि आपकी ये बिनाई कहाँ जाके ख़त्म हो रही है। तो ये सब चीज़ हल्का सा तो ध्यान देना ही पड़ेगा, इसके बाद अपने आप समझ में आ जाता है कि हमने कहाँ बीना है और कहाँ छोड़ा है। तो इस तरीके से देखिए, इसको छोड़ते हुए अब आप पहला फंदा जब ये उतार के ये दूसरा बिनती है तो ये ऑटोमेटिक अपने, ये देखिए, एक संग सट सा जाता है। तो जब आप अगली सिलाई में आएंगी तो ये अपने आप दिखता है कि हमने कहाँ पे फंदा पिछला उतार के छोड़ा है। वैसे ही देखिए, इस साइड में भी, यहाँ पे भी, ये देखिए, नहीं तो आप ये देखिए, तो ये बिनाई हमारी ये लास्ट यहाँ तक जा रही है। तो इसके जो लास्ट हमारा ये है, इस फंदे को हमको छोड़ के पलट देना है। ये चीज़ बस आपको ध्यान देना होगा। इसी तरीके से हम इसको पूरा उतार लेते हैं। ये देखिए, अब मेरे यहाँ पे ये दो फंदे बचे हैं और मुझे इधर को बिनना है। अब ये पहला फंदा मैं उतार लूँगी, क्योंकि जैसे हम हर बार उतार रहे हैं,
और ये देखिए अब इधर भी 18 है, इधर भी 18 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे 36 फंदे हैं, तो अब मैं इसमें दूसरा कलर लगा रही हूँ जैसा कि मैंने इसमें लगाया था। तो देखिए आप इसमें अपने मनपसंद किसी भी कलर से बना सकती हैं, सिलाई कोई भी आप यूज कर सकती हैं जिसमें आपका हाथ अच्छे से चलता हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं 10 नंबर बता रही हूँ तो आप 10 नंबर ही लगाएं, क्योंकि देखिए मैं ये 9 नंबर से बना रही हूँ और ये मेरा अच्छा खासा टाइट बन रहा है, कोई लूज नहीं है। तो आप अपना हाथ जिस बिन के देख लीजिएगा ऊन पर, जिस सिलाई से आपका ये डिज़ाइन अच्छे से आ रहा है, ये लूज ना आए, अच्छे से ठीक ठीक आए, उसमें आप ये बना सकती हैं। अब ये देखिए इन 18 फंदों को जैसा कि मैंने उसमें बीना था वैसे ही बीनूंगी और उसी तरह से एक एक फंदे छोड़ते हुए 9 ये इसमें जो 18 फंदे हैं आधे आधे आप कोशिश करिए या आप उससे ज़्यादा भी कर सकती हैं। तो मेरे जो 18 फंदे हैं मैं उसको बीन के अभी देखती हूँ कि मेरा डिज़ाइन कितने पे अच्छा लगेगा। मैं इसको लाइनिंग नहीं करूँगी, मैं इसको थोड़ा सा अलग बनाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये और ये मेरा जो आया है देखिए ये उल्टे तरफ से ही इधर आया, क्योंकि हमने जो फंदा डाला था और यहाँ से मैंने पहली सिलाई बिनना स्टार्ट किया था। तो ये सब आपको थोड़ा सा देखना होगा, अपना बिनते समय ख्याल रखना होगा कि आपका ये पैटर्न कैसे आ रहा है, कहाँ एडजस्ट हो रहा है। तो अब देखिए इसी तरीके से अब इन 18 फंदों को हम बीनेंगे जैसा कि इसमें हमने बीना था। इसमें ये जो इतना हाफ होने के बाद हम थोड़ा सा अलग इस पैटर्न को करेंगे, तो वही चीज़ मैं इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको, थोड़ा सा अलग डिजाइन और किस तरीके से आप ज़रा सा कुछ अलग कर दीजिए तो आपकी डिजाइन नई बन जाती है। तो ये देखिए ये 18 फंदे हैं, और इसको मैं ये लास्ट वाला फंदा हम छोड़ देंगे, उन पलट लेंगे। अब देखिए फिर इसी तरीके से इसको बिनते हुए 10 फंदे तक हम इसको छोड़ देंगे, फिर उसके ऊपर मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए यानी कि इधर 10 फंदे जब हो जाएंगे और इधर 8 फंदे, तब हम इसको फिर से एक अलग डिजाइन का लुक देंगे। तो इस तरह से उतारते हुए पहले मैं 10 फंदे उतार लेती हूँ, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, मैं एक आइडिया बता देती हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कैसे रखना। आप चाहिए तो यहीं से एक एक लाइन इस तरह से दूसरे कलर का लगाती जाइए, अलग डिजाइन बन जाएगा। फिर मैं इसको बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी इसमें। ये देखिए ये मैंने 10 फंदे इस पर मेरे रह गए हैं और ये मेरे 8 फंदे इस पर बचे हैं। अब हमें पलट के इधर बिनना है, तो ये पहला फंदा तो मैं उतार लूँगी और अब यहाँ पे मैं ये ब्लैक लगा रही हूँ। आप चाहें तो इन्हीं दोनों कलर को भी कर सकती हैं या आप चाहें तो कोई भी कॉम्बिनेशन अलग से कर सकती हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब मैं यहाँ ब्लैक लगा रही हूँ और फिर अब ये 7 फंदे मैं ब्लैक से बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से, और फिर इसको भी 3 फंदे रहने तक बना लूँगी। ये देखिए आपके पास ऊन अगर ज़्यादा हो तो आप 2 कलर से बनाइए, नहीं तो आप 2-3 कलर भी लगा सकती हैं। ये मैं यहाँ पे जो दूसरा कलर लगा रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग 2-3 कलर भी लगा सकती हैं, 2-2, 4-4 सिलाई बिन के। तो ये देखिए इस तरीके से देखिए, जैसा कि मैंने कहा था ये 2 फंदे ऐसे बंधे बंधे दिखते हैं, तो आप ये वाला फंदा बिनिए और लास्ट वाला छोड़ दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने फंदे छोड़े हैं और कितना आपको बिनना है। इस तरीके से यहाँ किनारे पे पहला फंदा उतारने से देखिए ये अपने आप बॉर्डर जैसा बिन जाता है। अगर यहाँ पर आप कुछ नहीं भी करती हैं तो भी अच्छा लगेगा, न इसी डोरमेट पे नहीं, और भी कोई डोरमेट अगर आप बनाती हैं
तो अगर आपको किनारा नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे पहला फंदा अच्छे से उतारिए तो आपका किनारा खुद ही अच्छा फिनिश आता है। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत अलग से नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए मैंने ये ब्लैक लगाया है, आपको जो कलर पसंद आए आप अपने मनपसंद कलर का बना सकती हैं। दो कलर, तीन कलर, चार कलर, नीचे का बेस एक कलर रखिए और ऊपर आप अलग अलग यहाँ पे कलर लगा सकती हैं। अब ये देखिए मेरे ये तीन फंदे हो गए। अब इसको मैं पलट के ये मैंने तीन फंदे बिन लिए। आप इसको कम भी कर सकती हैं लेकिन कम करने में ये और ज़्यादा कोना ही निकलेगा, इसलिए मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। अब यहाँ से देखिए ये जो मैं पूरा बिन ले जाती थी, अब मैं यहाँ पे पूरा नहीं बिनूँगी। पहले मैं ये तीन फंदा बिनिए जो हमने लास्ट में छोड़े हैं, और अब ये चौथा बिन के इस तरीके से इसको पलट दीजिए। पहला फंदा उतारिए, फिर ये तीन फंदा इधर से, ये देखिए। अब इधर से ये चार फंदा हम बिन लेंगे, ये चार बिन लिया पहले, और अब यहाँ से जो हमने पिछली बार उतारा था इसको हम ले लेंगे इस तरीके से और इसको हम पलट देंगे। अब यहाँ पे ये पहला फंदा उतार लेंगे। स्टार्टिंग में दोनों तरफ से फंदे उतारने हैं, ये देखिए। बस आप याद रखिए कि आपने कितने फंदे बीने हैं, ये देखिए दो, तीन, चार और ये पांच। इस बार हमने पांच फंदे बीन लिए और अब ये छठवां इस पर से ले लेंगे। फिर पलट लीजिए और फिर इसको पहला फंदा उतार के पूरा हम आप देखिए। फिर ये बिनते हुए इधर की तरफ से आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा क्योंकि खुद ही पता चलेगा कि अब हमको कौन सा फंदा बिनना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब फिर इसको हम पलट देंगे यहाँ से। फिर ये पहला फंदा उतार के ये देखिए। अब इस बार ये जो हमारे लास्ट वाले जो काले रंग से बने हुए फंदे थे वो अभी हम बना रहे हैं, ये देखिए। अब इसको भी हम ले लेंगे और इधर से ये उल्टी तरफ से अब हम ये देखिए इसको उतार के अब ये देखिए यहाँ पे हमारा काले ऊन का डिजाइन अब नहीं बनेगा। ये इसको इस तरीके से करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम ये ऊन पीछे करेंगे और यहाँ से ये क्रीम कलर का इसको क्रॉस करा के यहाँ पे आगे लाएंगे। आप बस ध्यान दीजिएगा ये जो गांठ वाट है सब पीछे रहे और इसको हम इसमें प्लस कर लेंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसको पलट दीजिए और यहाँ पे ये ब्लैक वाला ऊन हम कट कर देंगे यहाँ पे। अब इसको पूरा ये हम क्रीम कलर से बिन देंगे और इस ब्लैक वाले ऊन को हम कट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, थोड़ा दूर से कट कर दीजिए। और इसको भी अच्छे से हम गांठ लगा देंगे और अब यहाँ से पूरा यहाँ तक हम अब क्रीम कलर से बिनते चले जाएंगे। हर सीधी सिलाई में ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई है, यहाँ जो हमारे सारे जोड़ आ रहे हैं ये हमारी उल्टी सिलाई है। हर सीधी सिलाई में हम एक एक फंदे लेते हुए 18 फंदे तक इसको कर लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ से फिर ये देखिए हो गया।
अब ये वाला फंदा इसी तरीके से लेते हुए हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, ये जब हम ये इधर से ये वाला फंदा ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उल्टे साइड से यहाँ पे इसको जब हम उतारते हैं तो एक फंदा ये बिनिए और इसके बाद इसको टाइट से ऐसे खींच दीजिए तो आपका यहाँ पे ये जाली नहीं आएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हम फंदा उतारते गए थे बिना पीने, अब हम इसको दोबारा से ऊपर से आते हुए ले रहे हैं साथ में, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आपका ये फंदा जो है वो ज़्यादा लूज ना रहे या गैप ना दिखे। अगर आपका हाथ लूज चल रहा है इस पर तो ये ज़्यादा जाली दिखेगा, तो आप एक नंबर सिलाई और कम कर दीजिए, और नहीं तो देखिए ये इतना हल्का तो आएगा ही क्योंकि हम इसको अलग से जोड़ रहे हैं। तो अब ये वाला फंदा जब भी हम बीन रहे हैं तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिए, क्योंकि हम ये ऊपर से ले आके फिर एक एक फंदा जोड़ रहे हैं, इस बार हम छोड़ नहीं रहे हैं। आधे पार्ट में हमने नीचे एक एक फंदा छोड़ा है, अब आधे पार्ट में वही छोड़े हुए फंदे को हम इस तरीके से देखिए लेके और इसको, तो ये चीज़ तब आपका टाइट आएगा। अगर आप इसको लूज रखेंगी तो फिर ये ठीक से एडजस्ट नहीं होगा। और ये पहला फंदा भी हमको दूसरी साइड से उतार ही लेना है, क्योंकि अगर हम इसको बीनेंगे तो यहाँ जाली आ जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, अब मेरा फंदा हो चला है, ये मेरी लास्ट सिलाई है ऊपर वाली। देखिए यहाँ से ये मैंने लास्ट वाला भी ये बिन लिया है, अब मैं इसको पलट लूँगी और यहाँ से अब हम इसको ना बिन के ये अब इस वाले नीचे वाले ऊन से हम इसको पूरा बिन देंगे। और ये देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, नहीं तो ये फिर बीच में लूज, अब देखिए इस तरह से खींच देने से यहाँ पे कोई गैपिंग नहीं आ रही है। अब ये फिर बाकी का अब जो है ये चीज़ ये हो गया, अब ये हम ये चीज़ जोड़ रहे हैं और फिर इतना हिस्सा हम सेम बनाएंगे जैसा हमने ये पिछले वाले वीडियो में बनाया है। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है मैंने, तो हमारा एक नया डोरमेट का लुक बन गया है। तो आपको अगर पसंद आए तो आप इसको बनाइए। ये देखिए इस तरीके से इसका ये लुक अब आएगा, हल्का सा ये जो है एक ऐसे कर्व की तरह जा रहा है, ये जो है एक लीफ की तरह ऐसे आएगा। आपको अगर ये दूसरा कलर नहीं लगाना है आप मत लगाइए, इसी को ऐसे हाफ हाफ बनाइए, या आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग ये लाइनिंग भी बना सकती हैं, या जैसे आपको पसंद हो सिंगल कलर भी रखिए। तो दोस्तों देखिए ये एक पैटर्न है, अब ये यहाँ से फिर हमारा ये चीज़ बनना शुरू हो जाएगा। तो ये मैंने एक नया पैटर्न आपको बताया है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसको बनाइए, और अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, मैं आपको और भी जानकारियाँ देती रहूँगी। प्लस आप मुझे ये भी बताइए कि मैं आगे आपको क्या बताऊँ, क्या नया चीज़ आप सीखना चाहेंगे, सिलाई हो बिनाई हो या फिर और भी कुछ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।